मुंबई से गुजरात के गांधीनगर की तरफ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भैंस से टकरा गई। अहमदाबाद के पहले बटवा और मणिनगर के बीच ये हादसा हो गया है। हालांकि हादसे के कारण ट्रेन को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है। हादसे के बाद ट्रैक क्लियर कर ट्रेन दोबारा अपने गंतव्य के लिए रवाना भी कर दी गई। हादसा सुबह 11 बजे के करीब हुआ। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अभी 3 रूटों पर चल रही है, दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से कटरा, और अभी 30 सितंबर को ही गुजरात के गांधीनगर से मुंबई के लिए वंदे एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। अहमदाबाद के पहले बटवा और मणिनगर के बीच एक भैंस से वंदे एक्सप्रेस टकरा गई। इससे ट्रेन के आगे का हिस्सा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होने से लोगों ने और रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है। अब आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस अभी भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन है। इसकी गति सीमा 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। आने वाले कुछ माह में ही यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा और आराम का खास ख्याल रखा गया है। इसमें रिक्लाइनिंग सीट लगाई गई है, इसमें ऑटोमेटिक फायर सेंसर की व्यवस्था की गई है, और इसमें सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई सुविधा के साथ अपग्रेडेड ट्रेन में 3 घंटे का बैटरी बैकअप भी है।